So, hello everyone. Welcome you all to this SRP Math channel. Hopefully आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। तो आइए आज हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। और एक मिनट रुकिए, देखिए कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। So, हमने लास्ट क्लास में पैराबोला का मैक्सिमम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, बस इसमें एक दो प्रॉपर्टीज बचता है, दैट इज लेफ्ट। उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और देन विल स्टार्ट द इलिप्स। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है आप लोग को, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला में क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। देखिए ध्यान से, हमारे पास दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज योर व्हाट वी हैव वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ठीक है। दिस इज द फोकस पॉइंट, फोकस कोऑर्डिनेट के आपके पास ए कॉमा जीरो, ओके। यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट पी है, पी टी, ठीक है ना। सो इसका इफ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट एट दिस पॉइंट, सपोज टू बी यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस कट कर रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं आर। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली आर ये हमारे पास पॉइंट हो रहा है आपका, जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को कट किया दैट इज द पॉइंट आवर आर। एंड इस पॉइंट को बोल रहे हैं टी, जहाँ पे हमारे पास एक्स को कट कर रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया नॉर्मल का। नॉर्मल जो है अपना इस एक्स एक्सिस को एन पे कट कर रहा है, नॉर्मल पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। फिर पी से हम क्या कर रहे हैं, एक फोकल कॉर्ड बना रहे हैं सर, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्यू पे कट कर रहे हैं लाइक दैट। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल, सो दिस एंगल विल बी आवर 90 डिग्री। सो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट वी ऑलरेडी नो इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। सो क्या था, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इक्वेशन इज माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर कॉमा में जीरो, ठीक है ना। ये कहाँ पे, ये पॉइंट आ गया, इस दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। फोकस तो अपने पास मालूम ही है कहाँ पे है, ए कॉमा जीरो, ठीक है सर। यहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे कट करता है, नॉर्मल ए वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या था अपने पास, दैट इज 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो कॉमा जीरो, दिस इज द ओरिजिन और यू कैन सी द वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। k पॉइंट, k कहाँ पे अपने पास, देख लीजिए k एक्चुअली है जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स जो है आपका a, इक्वेशन क्या है इसका, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये जहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड के। ये हमारे पास पॉइंट के है, तो के का कोऑर्डिनेट तो वेरी सिंपल ना, क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ए कॉमा जीरो, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इसमें और क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट आया था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू वॉट, ये था अपना 1/t, 1/t, ठीक है जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन पी एस, कहाँ है पी एस, दो ये है पी, ये है एस, इसका स्लोप पूछ रहा है अपने को। ये पॉइंट पी एक्चुअली क्या था, दिस पॉइंट इज नथिंग बट ए टी स्क्वायर कॉमा 2 ए टी, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका स्लोप। तो कितना आता था इसका स्लोप, एक्चुअली ये आता है सर 2t डिवाइडेड बाय में t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एस टी लेंथ, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, ये हो गया अपने पास एस टी, तो एस टी जो होता है ना लेंथ, इसका एस टी लेंथ जो होगा
वो बराबर आता है किसका? एस टी इज सेम एज एस टी, पहले निकाल लो। देखो तो एस टी कितना आएगा, एस टी, तो क्या मैं एस टी को लिख सकता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअली एस टी माइनस ओ टी, एस टी माइनस टी ओ टी। तो एस टी में से अगर ओ टी घटाओगे हटाओगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एक मिनट रुको। देखो एक्चुअली इसका वैल्यू एस टी और एस एन सेम ही है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, जो एस टी का वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल टू आवर ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एस एन को चेक करो, एस एन का लेंथ ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ए। देखो एक बार एस एन कहाँ है, एस एन एन एस एन डायग्राम में देखो, एस एंड एन एस एन ए वैल्यू है ना, ए वाला वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज आवर ए, ठीक है सर। अच्छा इसका क्वाड्रेंट पाथ मालूम है आपको कितना था, क्वाड्रेंट इसका 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। तो 2 मुझे निकालना है एस एन लेंथ, तो उसमें से ए में माइनस कर दूंगा। ए लेंथ कितना है सर, 2a प्लस ए टी स्क्वायर ए, हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास से लेंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एस एन का वैल्यू आ जाएगा, ओके। अच्छा ओ टी मेरे ख्याल से यहाँ पे ये हो जाएगा ओ टी, ओ टी एस टी माइनस ओ टी कितना हो जाएगा। देखो तो ये कंप्लीट हमारे पास कितना था, एस टी था ना, दिस इज द लेंथ आवर एस टी। यहाँ से यहाँ तक अपने पास एस टी है, एस टी में से जब ओ टी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओ एस आ जाएगा। तो ये तो ए के बराबर आ जाएगा एक्चुअली। वी वॉन्ट टू फाइंड दिस वैल्यू, टी का क्वाड्रेंट कितना है, लिखो एक बार, टी है सर माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है ना। तो माइनस ए टी स्क्वायर में से ए हो गया माइनस ए टी स्क्वायर, अब इसमें से एक बार एक हम ए वाला पार्ट माइनस करेंगे मॉड के साथ में। है ना, तो वो अपने पास वो सेम ही लेंथ आ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान देख, देख चीज क्या ए वैल्यू अपने पास क्या हो रहा है, देखिए दिस इज आई थिंक सेम एज 2a प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर कि आपका एस टी का वैल्यू एंड एस एन का वैल्यू सेम आ गया, देख लो एस टी एंड एस एन सेम आ गया सर, एस टी का वैल्यू एंड एस एन का वैल्यू बोथ आर सेम। तो एस टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने निकल के यहाँ से, एस एन वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा तो किसी भी हमारे पास पैराबोला है इसमें जो पी एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारे पास पैराबोला के स्कीम में अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी आता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस में भी आ सकता है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, पैराबोला का रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है सर, देखो ध्यान से। सो इफ वी हैव अ पैराबोला लाइक दिस, यहाँ पे हमने पे एक पैराबोला ले ले लिया लिया, इसका हो गया एक्स एक्सिस सर, ठीक है। ए इसका हो गया अपने पास वर्टेक्स के साथ में पॉइंट लाइक दैट, दिस वन वाई एम इधर हो गया हो इसका डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, और ए इसका हो गया अपने पास फोकस पॉइंट दैट इज कोऑर्डिनेट इज ए कॉमा 0 समथिंग, ठीक है। तो ए प्रॉपर्टी क्या बोलता है, यहाँ पे आपने कोई भी टेंजेंट बना दिया, लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट पी था, पॉइंट पी पे हियर वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट लाइक दिस, यहाँ पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। चाहो तो नॉर्मली बना सकते हो, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे लाइन खिंचाया, दिस इज आवर हेयर नॉर्मल, ये अपने पास क्या है नॉर्मल लाइन, दिस इज द नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या बोलता है एक्चुअली, कि एनी रेज सेट पैरेलल टू, एनी रेज सेट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैराबोला विल पास थ्रू द विल पास थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो
तो अगर मान लो कोई भी रेज आपने यहाँ से ऐसे भेजा लाइक दैट, यहाँ से आपने कोई भी रेज भेजा पैरेलल में, तो ये कहाँ से निकल के जाएगा, ये हमारा फोकस से निकल के जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। तो अगर यहाँ से कोई रेज ऐसे आया पैरेलल में आया, तो ये कहाँ चला जाएगा, फोकस के पास चला जाएगा लाइक दैट, ये ऐसे करके एंगल हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा। तो उतना ज्योमेट्री में नहीं जा रहे, बस इतना ध्यान रखो कि एनी रेज इज पैरेलल टू द एक्सिस विल पास इन थ्रू द फोकस सेम। If any rays originated from focus will be parallel to axis of parabola। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिस इज द पैराबोला हेयर भी है, ओके लाइक दिस। तो कोई भी रे हमारे पास यहाँ फोकस है, दैट इज द पॉइंट इज 1,0। तो कोई रे यहाँ से निकल गया, जैसे मान लो यहाँ से निकला ऐसे टकराया, तो टकराने के बाद ये कहाँ निकल के चला जाएगा, इसके एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ऐसे मान लो कोई रे यहाँ ऐसे टकराया, टकराने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये इसके पैरेलल चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे ओरिजिनेट किया तो ये कहाँ से एक्सिस के पैरेलल निकल के जा जाएगा। उसके पिछला प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, कि अगर कोई भी रेज ये हमारे पास है पैराबोला, ठीक है, और ये ऐसे आके टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इसका फोकस से पास करेगा। सिमिलरली कोई भी आप जितना ले रहे, आप इसने ले लिया ये भी यहीं पे पास करेगा, अपने यहाँ पे कोई रे बनाया ये भी आके यहीं पे पास करेगा। तो इसे का यूज करते हैं डिस्टीबीम। डिस्टीबीम देखते हैं उसका जो शेप होता है वो हमारे पास पैराबोलिक शेप का होता है, और यहाँ पे हम रिसीवर लगाते हैं। तो करता क्या है, जो भी रे से आएगा टकरा करके फोकस से पास होगा, यहाँ से आ टकरा के फोकस से पास हुआ, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सिग्नल ऊपर से आ रहा है वो सबको कलेक्ट करता है, और वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर सब कहाँ पे जाता है, फोकस के ऊपर, और फिर फोकस से हम वायर लगा करके नीचे चले जाते हैं, वहाँ से हमारे पास उसका फुल सिग्नल आता है। तो कभी कभी देखा होगा कि अगर कभी सिग्नल नहीं आता था, जाकर हम उसको ऐसे से थोड़ा हिलाते हैं, सेट करते हैं उसके, हम ये जो फोकस वाले पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स वाले पॉइंट है उसको फोकस अगर सामने एग्जैक्ट होगा तो सारा उसके साथ में रिसीव करेगा, अगर थोड़ा ऐसे या ऐसे हो गया तो फिर रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही इसका मेन इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट है, पैराबोला में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। सो यू विल बी द बेस्ट इन दिस चैप्टर्स। बाकी का फिर और भी इसका जो थ्योरी क्वेश्चंस, तो हमने थ्योरी का वीडियो बनाया, इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा उसमें और भी कुछ नए नए पॉइंट्स आएंगे जो क्वेश्चन से लर्न करेंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक यू।